आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दीपेश जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरे दादाजी बहुत ही गुस्सैल किस्म के आदमी थे। अगर घर पर किसी से भी थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाती तो घर छोड़ने के लिए उनका एक पैर हमेशा उठा हुआ ही रहता था। उस शाम भी जब दादा और दादी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई तो दादाजी ने अपना बैटरी टॉर्च लिया और चल पड़े। गुस्से से लाल हो चुके दादाजी बस अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। अब उनके चलते चलते तकरीबन 20-25 मिनट बीत चुके थे और दादाजी घर से काफ़ी दूर निकल आए थे। खेत वाली पगडंडी पर चलते हुए जब दादाजी के पैर दुखने लगे तो वह उसी पगडंडी के एक किनारे पर बैठकर थोड़ा आराम करने लगे। अब तक लगभग अंधेरा हो चुका था जिस वजह से थोड़ी देर पहले तक जो रास्ता सूरज की रोशनी से चमक रहा था वहीं अब उसी रास्ते पर अंधेरा इस कदर छा चुका था कि टॉर्च की रोशनी के अलावा कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। कुछ देर आराम फरमाने के बाद दादाजी फिर से आगे बढ़ने लगे। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे तभी उन्हें सामने की ओर 3-4 बत्तियां जलती दिखीं। जब दादाजी ने अपनी टॉर्च की लाइट उन बत्तियों पर डाली तो पाया कि ठीक उनके सामने कुछ ही दूरी पर 3-4 लोग खड़े हैं जिनके हाथों में टॉर्च तो वहीं दूसरे हाथ में मोटे मोटे बांस के डंडे थे। उन लोगों को इस तरह से रास्ता घेर कर खड़ा देख दादाजी को ये समझते देर नहीं लगी कि ये लोग गुंडे बदमाश हैं और अगर दादाजी उनके हत्थे चढ़ गए तो आज उनकी खैर नहीं। लिहाजा दादाजी ने बिना वक्त जाया किए पगडंडी के किनारे वाले जंगलों की ओर दौड़ लगा दी। वो सभी लोग भी दादाजी के पीछे पीछे भागे जा रहे थे। उन्हें पता था कि अगर वो कहीं पर भी रुकें तो वो गुंडे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए दादाजी बिना रुके बस भागे जा रहे थे। कुछ देर भागते रहने पर उन्हें सामने की ओर एक छोटी सी बस्ती दिखाई पड़ी तो दादाजी बिना कुछ सोचे समझे अपने बचाव के लिए उसी बस्ती के एक घर के पीछे छिप गए और उन गुंडों की ओर देखने लगे कि कहीं वो गुंडे उनके पीछे तो नहीं आ रहे। मगर दादाजी ने देखा कि वो बदमाश बस्ती में दाखिल हुए बगैर ही वापस लौट गए। मगर दादाजी को फिलहाल के लिए वापस लौटना मुनासिब नहीं लग रहा था तो उन्होंने थोड़ी देर इसी बस्ती में रुकने का फैसला किया। क्योंकि दादाजी यहाँ भागते हुए आए थे और वो काफ़ी थक गए थे इसलिए प्यास के कारण अब उनका गला भी सूखने लगा था। पानी की तलाश में जब दादाजी ने नज़र उठाकर बस्ती के घरों की ओर देखा तो पाया कि सारे घर काफ़ी पुराने और टूटे फूटे हैं, जैसे बहुत सालों से यहाँ कोई रहता ही ना हो। पूरा का पूरा गांव एकदम वीरान पड़ा था। अभी दादाजी बस्ती को चारों ओर से निहारते हुए चल ही रहे थे तभी उनकी नज़र पास ही में लगे एक चापाकल यानी हैंड पंप पर गई। दादाजी ने पंप मारकर देखा तो पानी आ रहा था मगर दिक्कत ये थी कि बिना किसी बर्तन के एक हाथ से पंप मारकर दूसरे हाथ से पानी पीना बहुत मुश्किल था। ऊपर से जंग लग जाने के कारण वो पंप भी बहुत जाम चल रहा था। खैर दादाजी उस हैंड पंप को छोड़कर आगे बढ़ने लगे। अभी वो दो कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्हें पीछे से हैंडपंप चलने की आवाज़ आई। हैरानगी भरी नज़रों से जब उन्होंने
पीछे पलटकर देखा तो वो दंग रह गए। दरअसल वो जंग लगा हैंडपंप अपने आप ही चले जा रहा था। हालांकि ये देखकर दादाजी को काफी हैरानी हुई, मगर उस वक्त उन्हें प्यास भी काफी तेज लगी थी, तो वो ज्यादा ना सोचते हुए अपनी प्यास मिटाने लगे। फिर जब पानी पीकर उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया तो पाया कि एक कटा हुआ हाथ हैंडपंप को दबाए जा रहा है। ये देखकर दादाजी एकदम से चौंक गए और हड़बड़ाते हुए पीछे गिर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब है क्या, मगर फिर भी किसी तरह से उन्होंने खुद को संभाला और वहाँ से भाग निकले। कुछ दिनों बाद दादाजी को पता चला कि बहुत पहले प्लेग बीमारी के कारण उस गांव के बहुत से लोग मारे गए थे, और कहते हैं कि उन्हीं लोगों की आत्माएं आज भी उस वीरान गांव में भटकती रहती है। यहां तक कि उन आत्माओं के खौफ से ही वहां दिन के वक्त भी कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी दीपेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।